देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाइट पेस्ट आईसी को आप कैसे निकालें आसान तरीके से। अभी जो हमारा बैच इस समय चल रहा है, 12 अप्रैल का बैच है जो चल रहा है, जो कि हमारा फुल है। आप आना चाहते हैं तो आप अपना 12 मई और जून की बुकिंग करा सकते हैं। 12 मई के बैच में अभी कुछ सीटें खाली हैं। टोटल फीस 21,900 है। रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। ऑनलाइन का फीस 3,000 रुपये है। जो कोर्स दूसरी जगह 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये में होता है, वही कोर्स हम आपको 21,900 में सिखा रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा व्हाइट पेस्ट आईसी को कैसे निकालें आसान तरीके से। चारों तरफ से जो है इस तरीके से हम रखेंगे इस पर। देखिए, चारों तरफ आपको यहाँ पर पेस्ट थोड़ा थोड़ा सा लगा देना है। पेस्ट जो आप यूज करेंगे इसमें अच्छी क्वालिटी का ही आपको पेस्ट जो है यूज करना है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए अब इसको निकाले कैसे। अब जो आप CPEMMC देख रहे हैं, इसको बिना कवर करे निकालना है, तो हमें क्या देखना है कि इसका एक ऐसा कोना देखना है जिस कोने को आप पकड़ के इसको उठा सकें। तो यहाँ पर ये जो कोना दिख रहा है मेरे को, मैं इसमें यहाँ पे साइड से आप देखिए सर्जरी ब्लेड इसके रखूँगा और इसको उठाना यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पर पहले इसको हीट करते हैं। देखिए आईसी के ऊपर आपको हीट नहीं माननी है, हम इसको यहाँ पे हीट करेंगे। देखिए ये यहाँ से उठना स्टार्ट हुआ। अब मैं थोड़ा सा होल्ड करके आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे उठ चुका है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको हैंडल को हम इसके चारों तरफ घुमाएंगे, एक जगह नहीं रखना है। और तिरछा करके ही मानना है आपको, आईसी पे हीट नहीं जानी चाहिए। और हल्का सा हम ब्लेड पे जो सर्जरी ब्लेड से, इससे हम हल्की सी ताकत लगाएंगे, प्रेस करेंगे इसको। देखिए हल्का हल्का इसमें समय लगता है, आपको बड़े प्यार से उठाना है, ध्यान से। इसमें कोई आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अब हमको इसमें गैप मिल चुका है, अब चिमटी की सहायता से हम इसको कहीं से भी इसको पकड़ के उठा सकते हैं। देखिए बड़े प्यार से उठेगा, दूर से हीट लगानी है तिरछा करके। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे मैंने जाली पर ये निकाल दिया है। अब जाली निकालने के बाद, इसका कवर हटाने के बाद आप क्या करेंगे, हमारी कोई भी आईसी ख़राब नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान से काम करना है। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसके बाद हम क्या करेंगे, जो वाइट ग्लू है इसकी हमें कटिंग करनी है। इसका क्या करना है, इसकी हमारे को कटिंग करनी है। अब कटिंग कैसे करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। तो इसकी कटिंग के लिए हम एक टूल्स का यूज करेंगे जो आप यहाँ पर देखेंगे। देखिए अब हमें क्या करना है कि हम इस पे से ग्लू कटिंग क्यों करते हैं, ये आपको पहले समझना है। इसकी ग्लू कटिंग का मतलब क्या बनता है कि हम इसमें ग्लू कटिंग करें, क्यों करें। तो इसकी ग्लू कटिंग के लिए हम ग्लू कटिंग इसलिए करते हैं कि देखिए जो आप कंपोनेंट ये देख रहे हैं ना साइड में, जैसे कि इन कैपेसिटरों पर, बाकी के कंपोनेंटों पर आप देख रहे हैं,
यहाँ पर गिलू जो है लगा हुआ है। तो अब आप इसको ऐसे निकालेंगे निकल जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये जो गिलू जो रहता है इन पर, ये कंपोनेंटों को साथ में लेके बाहर आ जाता है। तो हम इसकी कटिंग करते हैं SMD की सहायता से। तो हम टेम्परेचर रखेंगे 250 के करीब और इस पर हीट करेंगे। अब इस समय जब आप हीट करते हैं तो हमें जो है इसको जो है क्लीन करना है, और क्लीन करेंगे उसके बाद में इसको जो है हम यहाँ पर बोर्ड को ठंडा होने के बाद पहले IP से अच्छे से क्लीन करें। क्लीन करने के बाद क्या होगा, हमें यहाँ पर पेस्ट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साफ करते समय, इसमें हमें पेस्ट बिल्कुल नहीं लगा। अब हम इस पर जो कटिंग करेंगे किस तरीके से करेंगे, देखिए जैसे हम पेन पकड़ते हैं उस तरीके से आपको बिल्कुल हल्के हाथ से इस तरीके से, आप देखेंगे यहाँ पे कटिंग होता हुआ आपको दिखाई देगा इस तरीके से। अब आपको इसमें ताकत बिल्कुल भी नहीं लगानी है, देखिए सिर्फ आपको कट लगाना है हल्का हल्का, बहुत हल्के हाथ से। देखिए यहाँ से तो ग्लू निकल गया, इस साइड से अब आपको निकालना है। इसमें ताकत का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है, ये जो ब्लेड है ये अपने आप कटिंग कर देता है। देखिए यहाँ पे इसकी कटिंग की, कटिंग करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो है इस तरीके से आप काटते हैं तो एक आध स्क्रेच कहीं आ जाता है। तो ये आते क्यों हैं, देखिए ये गलती जब आप करेंगे होगी तो इसका कारण क्या है। तो देखिए हमारा जो ये ब्लेड है, जब हम इस ब्लेड से, देखिए सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इसको घिसते हैं तो आपको इतनी ताकत नहीं लगानी है जैसे आप यहाँ, देखिए जब हम इसको यहाँ पर घिसते हैं तो हल्की सी, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हम जब इसको ऐसे घिसते हैं तो हल्की सी ताकत लगती है तो ऊपर से लेयर छूट जाती है कहीं से भी। तो हमें बहुत हल्के हाथ से, जैसे यहाँ पे मैंने कटिंग की, यहाँ थोड़ा सा देखिए मैंने स्क्रेच मारा जिससे कि आपको ये दिखाई दे। अब यहाँ पे कटिंग किया, यहाँ पे कोई भी स्क्रेच हमें नहीं लगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी स्क्रेच हमने यहाँ पे नहीं मारा है, दो साइडों में मारे हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई स्क्रेच, इसको बस खींचना है, आपको प्रेस नहीं करना, इसको इस तरीके से प्रेस करेंगे तो स्क्रेच आ जाते हैं। अब इतना करने के बाद में इसको कैसे निकालें, अब इसको निकालने के लिए हम IC को हीट करेंगे। देखिए इसके और भी टूल्स आते हैं, आप इससे भी यहाँ पर फंसाने के बाद इसको इस तरीके से ऊपर उठाएंगे तब भी ये बाहर आ जाएगा। तो जहाँ पे स्क्रेच लगाया अब इस पर आप क्या करेंगे, तो इस पर आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट में मैं बताऊँगा आपको क्या करना है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा IC के ऊपर पेस्ट रखेंगे, आज के वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि IC को कैसे निकालते हैं। और टेम्परेचर रखेंगे हम 370-380 के आसपास, हॉकी 122 SMD है। तो अब हम इसको हीट करेंगे कम से कम 30 सेकंड तक, 30 सेकंड को जो हीट करेंगे इसके हमें ऐसा रखना है कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये मेल्ट, देखिए ये गल गया, ये मेल्ट होने लग जाते हैं, देखिए ये सब मेल्ट हो जाएंगे अभी। जब तक IC अच्छे से हीट ना हो, देखिए ये मेल्ट हुआ, हीट हम कहाँ लगा रहे हैं IC पे, तो मेल्ट कहाँ हो रहा है यहाँ पर, और IC के अंदर से हल्की सी आपको आवाज़ या सुगंध बदबू टाइप में आने लगेगी, तो आप समझ लें कि IC हमारा अंदर से जो शोल्डर है वो मेल्ट हो चुका है। अब हैंडल को थोड़ा ऊंची लेके जाएं दूरी की तरफ, और आपको इसके अंदर डालने के बाद में इस तरीके से आपको यहाँ से इसको उठाना है। जब आप इसको यहाँ से उठा देंगे तो अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या हुआ, तो ये कुछ नहीं हुआ, देखिए ये जो पेस्ट देख रहे हैं ना, ये वाइट पेस्ट जो है, जो आप देख रहे हैं ये वाइट पेस्ट जो है, ये क्या है कि ये मदरबोर्ड पे एक लेयर है। अब ये जो हमने यहाँ पे छुड़ाया, इसको क्लीन किए, देखिए मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ अच्छे से,
देखिए अब आप यहाँ पर देखिए, ये जो क्या है इस पर पेस्ट लगा है। अब हमने जैसे ही यहाँ से आईसी को उठाया, अब मान लो कि इस ब्लेड से ये निकल जाता है, मान लेते हैं कि इससे निकलता है तो यहाँ का निकलेगा ना कि यहाँ का, तो ये ना ही ब्लेड से निकला ना कैसे निकला। अब इसमें क्या जो यूवी ग्लू और जो पेस्ट है वाइट पेस्ट, उसने क्या काम किया है कि जो मदरबोर्ड का पेस्ट है वो अपने साथ इस पर छोड़ा दिया है। अब इससे हमारे को कोई दिक्कत नहीं होती है, इस तरीके से आपके साथ में प्रॉब्लम होती है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको कैसे रिपेयर करें, इसको कैसे रिपेयर करें, उसके लिए मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट बना के दूंगा, पार्ट टू, क्योंकि ये जो प्रोसेस होते हैं थोड़े लंबे होते हैं जिसमें कि समय लगता है समझने में। तो पार्ट टू के अंदर मैं ये बताऊंगा कि इस कंडीशन में आप इसे कैसे रिपेयर करें। और आप यहाँ पर देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, कोई भी प्रिंट हमारा डैमेज नहीं है, कोई भी प्रिंट हमारा ब्रेक नहीं है। इसको यहाँ पर मैं क्लीन भी कर देता हूँ ब्रश के साथ में, देखिए कोई प्रिंट हमारा डैमेज नहीं है ना ही उखड़ा। और इसमें जो पॉइंट जो उखड़ते हैं चार छः पॉइंट, वो हमारे एनसी के होते हैं। एनसी किसे कहते हैं, देखिए एनसी के तीन पॉइंट ए हैं, दो पॉइंट ए हैं कुछ एनसी के। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड खाली, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको कैसे रिपेयर करें वो आगे के पार्ट में मैं आपको बताऊँगा।